बिहार के बेगूसराय में शुक्रवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ड्रग्स तस्करी की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सालीग्रामी गांव में छापेमारी कर 3.45 किलो स्मैक 28.72 लाख रुपये व हथियार समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक 4-चक्के वाहन, 14 मोबाइल, एक बाइक भी बरामद की है। उक्त जानकारी एसपी अवकाश कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ये बेगूसराय में अब तक की सबसे बड़ी पहल और कार्रवाई है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि शराबबंदी के बाद युवाओं में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन व तस्करी की शिकायत मिल रही थी। इस दौरान साहिबपुर कमाल के शालीग्रामी निवासी कमलेश्वर यादव के घर पर ड्रग्स तस्करी की गुप्त सूचना पर बलिया डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर सत्यापन कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नगद व स्मैक बरामद होने पर कमलेश्वर यादव के पुत्र सोनू कुमार मुंगेर जिला के श्यामपुर थाना के बुधरनी निवासी शालीग्राम प्रसाद यादव के पुत्र नितेश कुमार व निखिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ व तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, पिस्टल का मैगजीन, एक कारतूस, 3 पुलिस की वर्दी, 14 मोबाइल, एक बाइक, एक 4-पहिया वाहन जब्त किया गया है। छापेमारी टीम में बलिया डीएसपी वीर धीरेन्द्र, बलिया अंचल के पुनी दिनेश कुमार, साहिबपुर कमाल सीओ चंदन कुमार, साहिबपुर कमाल के पुअनी वीरेंद्र कुमार, एएलटीएफ के पुअनी खुर्शीद आजम व सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। पूछताछ में सीमावर्ती जिलों से जुड़ा रहातार एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान तस्करों ने कई ठिकाने व साथियों के नामों का खुलासा किया है, जिसके तार पड़ोसी जिले से भी जुड़ रहे हैं। स्थानीय नेटवर्क की जानकारी व बेगूसराय में ड्रग्स की खपत व तस्करी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। शुक्रवार को शालीग्रामी गाँव में ड्रग्स तस्कर के घर हुई छापेमारी में रुपये गिनने की मशीन व पुलिस के 3 वर्दी बरामद होने से पुलिस भी हैरत में है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि ड्रग्स के धंधे से जमा काली कमाई की जानकारी भी जुटाई जा रही है। ड्रग्स तस्करों को सजा दिलाने के साथ ही अर्जित काले धन को जब्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीरी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। लगातार शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान में कार्रवाई चल रही है जिले के अंतर्गत, और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है शालीग्रामी ग्राम में, साहिबपुर कमाल में, जो ड्रग्स का कारोबार करता है। उसके सत्यापन के लिए और गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे जिला का एएलटीएफ का बल भी था और साहिबपुर कमाल के थाना प्रभारी, उनकी फोर्स और सर्कल इंस्पेक्टर बलिया, इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स जो NDPS होता है वो बरामद हुआ है। जो प्रारंभिक जांच हम लोग किट के द्वारा करते हैं उसमें उसकी पुष्टि भी हुई है। मॉर्फिन और कोडीन नामक NDPS उसमें पाया गया है और उसकी फर्दर जांच FSL से होगी। लेकिन 3.67 किलोग्राम वो स्मैक कह रहे हैं, वो स्मैक बरामद हुआ है। करीब 28,72,200 रुपये नकद रकम बरामद हुई है। एक देसी कट्टा है, एक कारतूस है, एक मैगजीन है, एक पैसा गिनने वाला मशीन भी बरामद हुआ है, ट्रेलर, एक 4 व्हीलर है, एक मोटरसाइकिल है, 3 पुलिस की वर्दी जब्त हुई है इनके घर से और 14 मोबाइल इनके पास से जब्त हुए हैं। इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने और भी लोगों के नाम कुछ बताए हैं जो कि दूसरे ज़िले से भी संबंधित है, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग को उम्मीद है कि उस इलाके में न सिर्फ साहिबपुर कमाल और बेगूसराय ज़िले में बल्कि खगड़िया ज़िले में भी इनके सप्लाई, इनके द्वारा सप्लाई किए जाने की बात इनके द्वारा बताई गई थी, तो वहाँ पर भी जो हमारे नवयुवक हैं उनको इस नशे से मुक्ति पाने में सहूलियत होगी, सहयोग मिलेगा और इस नशा मुक्ति अभियान को बल मिलेगा। ये अभी पूछताछ कर रहे हैं, ये कुछ सालों से बता रहा है कि इसमें था और इसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है। जैसे 4 व्हीलर है जब्त हुआ है, इसका घर जो मकान जहाँ रेड हुआ था वहाँ भी अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो जितनी भी संपत्ति इन लोगों ने क्राइम से अर्जित की है उसके लिए हम लोग PMLA का प्रस्ताव भी भेजेंगे ताकि उसका कॉन्फिस्केशन किया जाए। इतनी भारी मात्रा में कैश और NDPS का बरामद होना ये अकेले के बस की बात नहीं है, तो गिरोह डेफिनेटली गिरोह है और वही पूछताछ करके हम लोग आगे उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कुछ उपलब्धि होती है कुछ आगे मिलता है हम लोग आपको। देखिए संभावनाएं कई हो सकती हैं, लेकिन कई लोग जो हैं कैमोफ्लाज ड्रेस जो होता है वो
रेडिली अवेलेबल भी होता है मार्केट में, कई लोग खरीद भी सकते हैं, हो सकता है शौकिया भी खरीदता, हो सकता है किसी काम के लिए भी खरीदता, अपराध के लिए भी, तो वो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उस बिंदु पे भी, तो उस पर कार्रवाई एग्जैक्ट नहीं है, बट हमको लगता है कि 20-25 लाख का वो भी होगा, 4 किलो है, 4 किलो इसमें कम होता है तो उतना होगा, 20-30 लाख के बीच में इसका मूल्य। हमारे सीमावर्ती जिला का नाम आया है उसमें, उस पर काम कर रहे हैं और हो सकता है उससे आगे भी हम लोग को लिंक मिले, वो पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और लोग पकड़ाएंगे तो ये अनुसंधान आगे। 3 लोग हैं, सोनू कुमार, नीतीश कुमार और निखिल कुमार, तो 1 शालिग्रामी का है, 2 बुधरनी के हैं, श्यामपुर जिला मुंगेर, ये रहते वहीं पे थे पास में ही, साथ में।